आज दोपहर में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। नूरपुर के होटल में पुलिस की दबिश, देह व्यापार का भंडाफोड़। केरल को हराकर हिमाचल की महिला टीम बनी विजेता। अवरुद्ध हुए एनएच को बहाल करने में जुटा प्रशासन। सतपाल रायजादा बने हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग संघ के प्रदेश अध्यक्ष। और अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस नूरपुर ने वेश्यावृत्ति के आरोप में एक होटल में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नूरपुर पुलिस ने शनिवार को निजी होटल में दबिश दी और वहां पर वेश्यावृत्ति में शामिल एक महिला को छुड़वाया। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस को इस होटल में वेश्यावृत्ति की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने होटल में दबिश दी तथा वहां पर वेश्यावृत्ति में शामिल एक महिला को छुड़वाते हुए होटल मालिक व मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इन दिनों बिलासपुर की गोविंद सागर झील किनारे स्थित लुहणू क्रिकेट मैदान में चल रहे सीनियर नेशनल वुमेन क्रिकेट प्रैक्टिस टूर्नामेंट के तहत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और केरल क्रिकेट एसोसिएशन के मध्य T20 मैच खेला गया, जिसमें हिमाचल की टीम ने केरल को आसानी से हरा दिया। टॉस जीतकर HPCA की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हिमाचल की टीम ने 6 विकेट खोकर 117 रन बनाए, जिसमें कैप्टन सुषमा वर्मा ने सर्वाधिक 52 रन बनाए, जबकि निकिता चौहान ने 31 रनों का योगदान दिया। वहीं केरल की ओर से सूर्य कुमार ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि विनया मृदुला व दर्शना ने 1-1 विकेट प्राप्त किया। एक बल्लेबाज रन आउट हुई, लक्ष्य का पीछा करने उतरी केरल की टीम 104 रनों पर ढेर हो गई। निगुलसरी के समीप अवरुद्ध हुए NH5 की बहाली के लिए प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है, परंतु मार्ग बहाल होने में अभी 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। गुरुवार शाम से मार्ग अवरुद्ध है, जिसके चलते क्षेत्र में रोजमर्रा की वस्तुओं की कमी होना शुरू हो गई है। शुक्रवार से जिला के बाहर से आने वाली दूध, ब्रेड व सब्जियों की सप्लाई ठप हो गई है। रसोई गैस व डीजल पेट्रोल की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। यदि जल्द ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्र में रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ साथ लोगों को आने जाने में भी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका, गोल्डन चांस फॉर ऑनलाइन ऑडिशंस, अप्लाई नाउ। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग संघ का चुनाव सर्वसम्मति से कर लिया गया है। ऊना जिला मुख्यालय के एक होटल में हुए चुनाव के दौरान ऊना सदर के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा को सर्वसम्मति से संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने अपने मनोनयन के लिए राफ्टिंग संघ की सभी जिला इकाइयों और खेल प्रेमियों का आभार जताया है। पूर्व विधायक ने कहा, हिमाचल प्रदेश में राफ्टिंग की अपार संभावनाएं हैं। इस खेल को बढ़ावा देने के लिए संघ को मजबूत किया जाएगा। वहीं हिमाचल में राफ्टिंग की संभावनाओं पर बोलते हुए सतपाल रायजादा ने भी राफ्टिंग को क्रिकेट की तरह हिमाचल में विशेष पहचान दिलाने पर बल दिया। सबसे पहले तो आज मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो भिन्न भिन्न जिलों से, जिला के जो राफ्टिंग के अध्यक्ष बने हुए हैं वो आए हुए थे, और इसके साथ साथ मुझे जो इन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, जो स्टेट का प्रेजिडेंट बनाया राफ्टिंग एसोसिएशन का, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं अपनी टीम जो मेरे साथ आज जो बनाई गई है, मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप सब मिलकर मेरे साथ चलेंगे तो हम इस खेल को भी, राफ्टिंग के इसको भी, खेल को बड़े अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या कुछ और एरिए हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जहां पे राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, या राफ्टिंग की जो खेलों को आगे बढ़ाकर हम आगे तक इंटरनेशनल लेवल पर हिमाचल की जो पहचान बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी कोशिश ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी राफ्टिंग के खेल जो है वो हिमाचल प्रदेश में करवा सके। आज दोपहर में अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।